हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल चाल सभी बच्चों के। मेरा नाम है मयंक एंड हमारी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट स्ट्रैटेजी एंड टिप्स। कौन सी स्ट्रैटेजी सर? भाई स्ट्रैटेजी की किस तरीके से आपको पेपर नंबर 3 के अंदर अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है और बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। अगर आपको चीज़ें अच्छे से आती हैं, ठीक है ना, आप कॉन्फिडेंट हो कि हाँ मेरा पेपर अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना, अच्छी बात है। बट कहीं ना कहीं ये पता होना कि भाई पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, ये भी इक्वली ज़रूरी है। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट्स का पता होना भी ज़रूरी है, बट एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कैसे करना है ये भी इक्वली ज़रूरी है, स्पेशली पेपर नंबर 3 के अंदर, क्योंकि ये एक ऐसा पेपर है जिसमें मेजोरिटी बच्चों का पेपर छूट जाता है ड्यू टू लैक ऑफ प्रैक्टिस। तो आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं, स्ट्रैटेजी एंड टिप्स, ठीक है ना, फॉर पेपर नंबर 3। तो देखिए भाई, आप लोगों को क्वेश्चन पेपर के अंदर 100 क्वेश्चंस मिलेंगे, हर क्वेश्चन एक मार्क कैरी करेगा। अगर आपने सही अटेम्प्ट किया आपको 1 नंबर मिलेगा, अगर आपने उसको छोड़ा तो 0 मार्क्स मिलेंगे, और अगर आपने उसको गलत अटेम्प्ट किया तो आपको नेगेटिव मार्किंग भी मिलेगी, 0.25 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। अब हम लोगों को पता है कि भाई हम लोगों को तो एक एक नंबर के लिए क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, हमें नेगेटिव मार्किंग नहीं चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है, जो क्वेश्चन नहीं आते उनको छोड़ना है, तुक्का नहीं लगाना, गैसिंग नहीं करनी, ठीक है। फिर अब जो क्वेश्चंस करने हैं, पहले कौन सा क्वेश्चन करें, ठीक है ना, पहले प्रायोरिटी किस क्वेश्चंस को दें, तो आप पहले प्रायोरिटी दीजिए उन क्वेश्चंस को जिनका एक तो रीडिंग टाइम कम है और दूसरा आप 100% श्योर हो कि ये क्वेश्चन मैं कर लूंगा। अब ये पता कैसे चलेगा सर? आपने क्वेश्चन देखा, आपको क्वेश्चन देखते ही पता चल गया कि भाई ये तो टीवीएम का क्वेश्चन है, टीवीएम भाई मुझे बहुत अच्छे से आता है, क्वेश्चन छोटा है, लो जी ये क्वेश्चन तो हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस को आप पहले कर लो। अच्छा, आपको थोड़ा सा आइडिया क्वेश्चन का, एक लैंग्वेज देख करके जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उससे एक आइडिया भी लग जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन हो जाएगा। इस काम में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ये देख करके क्वेश्चन कि हाँ ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इट टेक्स सम सेकेंड्स। अगर आपको लग गया कि हाँ ये क्वेश्चन हो जाएगा, ऐसे क्वेश्चन को आप पहले करिए। अगर आपने क्वेश्चन देखा आपको लगा यार इसमें तो रीडिंग टाइम ज़्यादा लगेगा, अब एक लिए छोड़ दीजिए। अगर आपने क्वेश्चन देखा लगा कि यार ये तो मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा नहीं है ज़्यादा अच्छे से, क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। तो जो क्वेश्चंस आपको देखने में थोड़े रीडिंग टाइम कम लग रहा है कि भाई छोटे क्वेश्चंस हैं और आपको क्वेश्चन देख करके एक आइडिया लगे कि हाँ ये क्वेश्चन मुझसे हो जाएगा, ये और 100% श्योर, आप उन क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट कर लीजिए। और अगर आपने इन सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लिया क्योंकि रीडिंग टाइम कम था और आप 100% श्योर थे, तो इस वजह से क्या होगा, आप कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे। अब आप वो पेपर अटेम्प्ट कर चुके होंगे जिसमें आप 100% श्योर थे और जो छोटे छोटे क्वेश्चन थे। अब आ जाते हैं उन क्वेश्चन के ऊपर जिनका रीडिंग टाइम मीडियम है या लेंदी है एंड आप 100% श्योर हो कि आपसे क्वेश्चन हो जाएगा। रीडिंग टाइम मीडियम है, लेंदी है और आप 100% श्योर हो कि हाँ ये क्वेश्चन मुझसे हो जाएगा, इन क्वेश्चंस को आप बैठ करके करेंगे। क्योंकि रीडिंग टाइम थोड़ा ज्यादा होगा, क्वेश्चन थोड़े बड़े होंगे, तो हो सकता है कि इन क्वेश्चन में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगे, 20-30 सेकेंड्स की जगह आपको 1 मिनट या 1 मिनट से कुछ सेकेंड ज्यादा इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगे, कोई दिक्कत नहीं है, इन क्वेश्चन को कर लीजिए। अब आप उस सिचुएशन में आ चुके हैं कि आपको जो 100% पेपर, जो भी पेपर आपको आता था वो आप सारा कर चुके हैं, जो भी पेपर का कंटेंट आप 100% श्योर थे कि मुझे आता है, अब आप ये पूरा कंटेंट कर चुके हैं। अब अगर आपका पेपर छूटता भी है तो आपको ये गिल्ट नहीं होगा कि भाई आता हुआ पेपर छूट गया, ठीक है ना। अब आ जाते हैं हम उन क्वेश्चंस के ऊपर जो थोड़े छोटे हैं एंड आपको देख करके लग रहा है कि अगर थोड़ा सा टाइम दिया जाए इन क्वेश्चन में तो क्वेश्चन हो सकता है, यानी कि आप 100% श्योर तो नहीं हो। अगर 100% श्योर हो तो आपने क्वेश्चन कर लिया होगा। अब जो क्वेश्चंस बचा आप उनमें 100% श्योर नहीं हो, बट आपको ये उम्मीद है कि अगर थोड़ा सा टाइम दिया जाए, थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए इन क्वेश्चंस में, तो ये क्वेश्चंस हो सकते हैं, इन क्वेश्चंस को अब आपको करना है, ठीक है ना। अब आपके जैसे ही क्वेश्चंस होते जाएंगे, ये क्वेश्चंस हो जाएंगे, अब आपके पास अल्टीमेटली वो क्वेश्चंस बचेंगे जो या तो आपको आते नहीं है या आपने देख करके बोल दिया कि भाई मेरे बस की नहीं है। अब वैसे तो इस वक्त तक आपके पास टाइम बचेगा भी नहीं, ठीक है ना, आपका टाइम ओवर हो जाता है ऑलमोस्ट, बट अगर स्टिल आपके पास टाइम बचा है तो आप उन क्वेश्चंस को भी फिर एक बार देख लीजिए। आप देख लीजिए कि भाई थोड़ा कुछ देख करके क्वेश्चन है कि भाई कुछ कैलकुलेशंस करके, कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगा करके उस क्वेश्चन में अगर हो रहा है तो करिए, अगर फिर भी नहीं समझ आ रहा तो बिल्कुल भी गेसिंग नहीं करनी। क्योंकि आपको पता है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर 4 ऑप्शन होते हैं और एक ही ऑप्शन सही होता है। अगर आप गेस कर रहे हो तो 1/4 चांस है कि वो सही होगा और 3/4 चांसेस हैं कि वो गलत होगा, यानी कि गलत होने की प्रोबेबिलिटी 75% 75% होती है। तो अगर आपने गेस किया है तो 75% चांस है कि आपको -0.25 मार्क्स मिलने वाले हैं और सिर्फ 25% चांस है कि आपको उसमें 1 नंबर मिलेगा। तो हमें ये रिस्क नहीं लेना। अगर क्वेश्चन में आप श्योर नहीं हो, आपको नहीं आ रहा समझ, आप उसको छोड़ दो।
उस बचे हुए टाइम में आप क्या कर सकते हो, आप जो क्वेश्चंस आपके हो चुके हैं उनको एक बार रिवाइज कर सकते हो, देख सकते हो कि भाई ठीक है कि नहीं किया, कुछ गलत तो नहीं कर दिया, वो ज्यादा बेटर रहेगा इंस्टेड ऑफ अटेम्प्टिंग दोस क्वेश्चंस जो आपको नहीं आते हैं, ठीक है ना। डोंट अटेम्प्ट दोस क्वेश्चंस विच यू डोंट नो, ये मैंने आपको एकदम क्लियर कर दिया। तो आपको क्या करना है, आपको जो 2 घंटे मिलेंगे पेपर के अंदर उनको बेस्ट पॉसिबल वे में मैनेज करना है। अच्छा, अगर आप लोगों ने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया है, अगर आपने मॉक टेस्ट दिए और आपको लगता है कि सर मैं 2 घंटे में पूरा मॉक टेस्ट कर लेता हूँ, तो बहुत ही अच्छी बात है भाई, बहुत ही अच्छी बात है, मुझे बड़ी खुशी मिलेगी। बट अगर आपको लगता है कि सर मुझसे मॉक टेस्ट पूरा नहीं हुआ, मैंने 4-5 मॉक टेस्ट दिए, मुझसे कोई भी मॉक टेस्ट मैथमेटिक्स का 2 घंटे में 100 क्वेश्चन नहीं हुए, तो आप ये समझ जाओ कि आप एग्जाम में भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन छोड़ करके आने वाले हो। अब जब आपको पता है कि कुछ ना कुछ पेपर छूटना ही है, तो बेटर उसको छोड़ा जाए जो नहीं आता, बेटर उसको छोड़ा जाए जो चैप्टर्स आपने अच्छे से नहीं किए, ठीक है ना। तो क्या करना है आपको, पहले वो क्वेश्चंस करने हैं जो आते हैं। तो एटलीस्ट अगर आपको लग रहा था कि भाई मैं 80 क्वेश्चंस ही कर पाता हूँ 2 घंटे में, तो 80 क्वेश्चंस वो करो ना जो अच्छे से आते हैं, तो वो बेटर, एक बेटर चॉइस है। अब अगर आपने वो टाइम ड्यूरेशन में भी उन क्वेश्चंस को उठा करके बैठ गए जिसमें आप श्योर नहीं थे, या आपको लग रहा था कि बहुत ज्यादा रीडिंग टाइम में होगा कि नहीं होगा, तो आपने अपना टाइम वेस्ट ही किया है, ठीक है ना, टाइम वेस्ट किया। इंस्टेड ऑफ दैट वो टाइम, 2 घंटे का टाइम उन क्वेश्चंस में लगाओ, उन 80 क्वेश्चंस में लगाओ जो आपको आते हैं। उन 20 क्वेश्चंस को तो वैसे भी छूटना ही है, ठीक है ना, आपको पता है कि भाई 20% पेपर छूटना है आपका। अगर आपको एक आइडिया लग जाता है मॉक टेस्ट देने से, अगर आपको आइडिया लग गया है कि भाई 20% पेपर 20% या 30% पेपर छूटना ही है, तो कौन सा पेपर छोड़ोगे जो नहीं आता, ठीक है ना, वो थोड़ी ना छोड़ करके आएंगे हम जो आता है। तो इसी के साथ आपको इसी स्ट्रैटेजी से अपना MCQ बेस्ड जो पेपर है, पेपर नंबर 3, उसको अटेम्प्ट करना है। और आई होप कहीं ना कहीं ये स्ट्रैटेजी आपको बाकी स्टूडेंट के कंपैरिजन में 10-15 नंबर का एक एडवांटेज देगी, ठीक है ना। तो आई होप आप अच्छे से एग्जाम देंगे, अच्छे से स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करेंगे, एंड बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।